कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यानी लड़ाई झगड़ों से कैसे हम बचेंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपके पूरे जिंदगी में लड़ाई झगड़े कई जगह हो रहे हैं, घर में होते हैं, ऑफिसों में होते हैं, बिजनेसेस में होते हैं। आप लड़ाई झगड़े से बच के आप कैसे निकले, ये भी एक बहुत बड़ी कला है जो यूनेस्को के द्वारा लोगों को कहा गया है कि अपने अंदर लाए। पहले के जमाने में क्या होता था कि जब दो लोग झगड़ते थे तो पूरा परिवार झगड़ता था। आजकल आप देखते हो कि जो समझदार इंसान होता है वो झगड़ों से बचकर निकल जाता है या ज्यादा झगड़ों को अपने दिमाग में नहीं रखता। आपको ध्यान रखना कि झगड़े तो हर जगह होंगे, लेकिन क्या झगड़ों के कारण आप अपने करियर को बर्बाद करेंगे, आप समय बर्बाद करेंगे, आप अपनी मेंटेलिटी को वीक करेंगे। आपको ध्यान रखना कॉन्फ्लिक्ट से बचते हुए निकलना है। जो समझदार लोग होते हैं आप देखते हैं कि वो किसी भी विवादित चीज से सॉरी बोल के निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कोई बहुत बड़े नेता होते हैं, अभिनेता होते हैं, तो सॉरी बोल के निकल जाते हैं, वो बीच में नहीं बसते। लेकिन जो बेवकूफ टाइप के होते हैं वो बीच में जबरदस्ती एक और लाइन जोड़कर विवाद बढ़ा देते हैं। तो सॉरी बोल के विवादों से हमला सीखे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की क्षमता। आप सबको ध्यान रखना है कि अगर आप इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और अगर आप निर्णय तक ले नहीं पा रहे कि आपको करना क्या है, आपको किस लाइन में जाना है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आपको अपना करियर बनाना है, कहां से आप पैसा कमाएंगे, आप अपने घर के लिए कहां से अधिक पैसा लाएंगे, अधिक नाम कहां से आप लेंगे, तो आपकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप सभी निर्णय लीजिए, अपने फैसले खुद लीजिए। विस्तार फाउंडेशन के पिछले सारे प्रोग्राम्स में हमने कहा कि खुद के फैसले लीजिए। आपको जॉब करनी आप फैसले लीजिए ना, आपको अगर कोर्स करना है आप स्वयं का फैसला लीजिए, आपको बिजनेस करना है स्वयं का फैसला लीजिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा आपके फेलियर में फिर कोई आपका साथ नहीं देता अगर आप अपने फैसले नहीं ले पा रहे, तो खुद फैसले लेना आपसे सीखिए। अब माँ बाप से पूछना या घर के भरोसे पूछना छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अब आप काफी यंग हो चुके हैं। नेक्स्ट टाइम लिखिएगा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट समय को बचाने के लिए पूरी दुनिया कह रही है आजकल। एक इंसान की औसत जीवन अब कितना हो चुका है, कितने साल तक आप जीवा होगे, मुश्किल से 60-70 के अंदर सब चले जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके बॉडी की आप मेटाबॉलिज्म बहुत डाउन हो चुका है। आपके दादा दादी 80-90 तक जाते थे, हमारे पास मात्र 60-70 साल का समय है। और इस 60-70 साल के समय में एक बुढ़ापा भी है जिसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और बचपना तो जा चुका है जिसमें कुछ कर ही नहीं पाए थे, 5-10 साल तो कुछ कर ही नहीं पाए थे जिंदगी में। तो बचे 40-50 साल में जो कुछ करना आपको करना है, तो कैसे टाइम मैनेज करोगे इसका प्लानिंग आज तक आपने कभी किया नहीं। आप प्लान करें क्योंकि समय देखते देखते निकल रहा है। और आपको ध्यान रखना है कि आपकी जिंदगी में अगर 4-5 साल अगर वेस्ट हो जाते हैं तो आप फिर रिकवर नहीं कर पाते कई बार। तो समय को बचाइए, आप प्लान बनाए, रोज सुबह उठ के प्लान बनाए कि मुझे आज क्या क्या चीज करना है, कितना चीज करना, कितने घंटे किस चीज पे इन्वेस्ट करना है, वो आपके अंदर प्लान होनी चाहिए। तो विस्तार फाउंडेशन के मन से कई बार ये प्लान आपको बताया गया कि आप ये बनाए, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि वर्ल्ड फोरम के अनुसार ये जो आपको बताया गया स्किल, इन सब चीजों को अपने अंदर डाले। नेक्स्ट आप लिखिएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है अपने दिमाग का मैक्सिमम यूज करना। आपके पास दिमाग है, ठीक है, और जब आपको प्रैक्टिकल्स आपके कॉलेज में दिए जाते हैं या आपको यूनिवर्सिटी के तरफ से कोई अगर प्रोजेक्ट में आपको डाला जाता है, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज और इंस्टीट्यूट आपसे ये उम्मीद करती है कि आप अपने ब्रेन का 100% क्या करेंगे, यूज अप करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि युवाओं से मुझे मात्र 10-20% ब्रेन युवा यूज करते हैं सही जगह, 80% वो फालतू जगह यूज कर रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग आपको ये सिखाता है कि आप भी जो काम कर रहे हैं पूरे दिमाग को लगा के करें, क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग किसके पास है। मैं क्या अपने पिताजी से इतनी उम्मीद कर सकता हूँ, क्या माता जी से हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या चाचा चाची से उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि आप यंग हो, आपके पास ब्रेन क्या है समय ज्यादा है। तो आप अपने ब्रेन को क्या करें, ज्यादा इन्वॉल्व करके काम करना सीखें। हमारे भारतवर्ष में गुजरात जो सबसे ज्यादा बिजनेस के लिए जाना जाता है, साउथ इंडिया जो सबसे ज्यादा टेक्निकल के लिए जाना जाता है, कारण आपको अगर जानकर ताजुब होगा, गुजरात में लोग अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज बिजनेस को बनाने में करते हैं और साउथ इंडिया टेक्निकल में अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, जबकि हम पिछड़ क्यों रहे मध्य प्रदेश में। इसका कारण क्या, ब्रेन का यूज नहीं कर पा रहे। तो प्लीज यूज योर ब्रेन। ये ध्यान रखिएगा कि ब्रेन उम्र के साथ बूढ़ा भी होता जाता है, तो अगर अभी जवानी में आप ब्रेन का यूज नहीं कर पाए तो 40 की उम्र में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, और 50 में तो डेफिनेटली आप बहुत वीक पड़ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग
वर्ल्ड फोरम ये कहता है कि हर बच्चे को क्या करना चाहिए, दुनिया के सामने आके बोलना चाहिए।